तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, कल मैंने एक वीडियो डाला था रॉयल पास रिव्यू का वीडियो, और लोगों ने समझा वो गिव अवे का वीडियो। उसमें मैंने बोला था यदि तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देते हो तब मैं गिव अवे रख दूंगा सीजन 13 का। लेकिन भाई साहब ने, मतलब मैंने बोला था 5 से 10 दिन में पूरे कर दोगे, तो लेकिन तुम लोगों ने तो एक दिन में मतलब पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन पूरे के करीब करीब हो ही चुके हैं। मतलब 1000 सब्सक्राइबर से कुछ ही सब्सक्राइबर कम है। 1000 सब्सक्राइबर यदि तुम लोग आज भी इसी तरीके का प्यार दिखाओगे तो आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, और कल यदि आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो कल रॉयल पास का गिव अवे वाला वीडियो आ जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देखना, और उसमें मैं बता दूंगा आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना है। तो वो वीडियो कल आएगा, अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। और इस वीडियो, मतलब पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों ने ऐसा स्पैम किया, मतलब 300 कमेंट आए हैं यार, मतलब 300 कमेंट आए मेरे एक वीडियो पे। मतलब कतई जहर टाइप का जिंदगी कर दिया तुम लोग। तो भाई साहब कल वो खुशी मैं भी आप लोगों को दूंगा जो खुशी आप लोगों ने दिया है मुझे कल से आज तक। तो वो चीज़ें मैं कल और डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन आज मैं बात करूंगा रैंक पुश के बारे में, ये गेम प्ले के बारे में, तो बहुत चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे यदि आपको सीखने को नहीं भी मिलेगा तो मुझे कुछ सिखाने का मौका मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे सिखाना। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था इस चीज़ में कि मैं रैंक पुश किस चीज़ में करूँ, मतलब सोलो में करूँ या डुओ में करूँ या फिर स्क्वाड में करूँ, मतलब तीनों में खेलना मुझे सोलो ही है, सोलो वर्सेज स्क्वाड खेलूंगा या सोलो वर्सेज डुओ खेलूंगा, लेकिन मैं कन्फ्यूज था कि करूँ किस में। तो मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड लगा लिया गेम, और मैं देखना चाहता कि अपनी कैपेबिलिटी, मैंने नहीं खेला आज तक सोलो वर्सेस स्क्वाड, लेकिन फिर भी मैं अपनी कैपेबिलिटी देखने के लिए सोलो वर्सेस स्क्वाड लगा दिया। उसके बाद की तबाही देखो भाई साहब, मतलब कतई उतरा मिलिट्री बेस में, यहां पे मैंने गन वन ढूंढे, मिल गया मेरे को स्कारल, अब इसको पिलते हैं। और भाई साहब इसको तो आसानी से मार दिया क्योंकि लौंडा अकेले उतरा था, प्लस इसके पास कोई गन भी नहीं थी। अब मैं बात कर रहा था रैंक पुश के बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं है रैंक पुश करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। मतलब मुझे सीरियसली में कोई आइडिया नहीं है कि रैंक पुश करते क्यों हैं। हाँ, मतलब थोड़ा सा अपना टीयर वेयर बढ़ाने के लिए, अब उससे होता क्या है ये अपने को नहीं पता है सीरियसली में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कीड़ा हूँ नहीं पबजी का। मतलब अभी खेलना स्टार्ट किया हूँ तो धीरे धीरे समझ में आएगी सारी चीज़ें, क्या होती है, क्या होता है मेडल वेडल, वो सारी चीज़ें यदि आप लोगों को पता होगा तो आप लोग भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करना मेरी इस कमेंट सेक्शन में बता के। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ पे आओ बात करो हमारे साथ। मतलब मैं देखो खेल नहीं पाता हूँ तुम लोगों के साथ, तुम्हारी बहुत शिकायत रहती है कि तुम खेलते नहीं हो हमारे साथ, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती यार इतनी जल्दी। मतलब हमारे पास ऐसा फ़ोन नहीं है, इसीलिए मैं सोलो खेलता हूँ भाई, मजबूरी है इसलिए। और भाई साहब बॉट तक को मारने के लिए मेरे पास गन नहीं, क्योंकि मिली ही नहीं भाई साहब, किसी तरीके से कट्टे उट्टे से पेलता हूँ उसको, उसके बाद मुक्के उक्के से पेल के उससे गन छीनता हूँ पहले। और भाई साहब जिसको मैं बाहर मारा वो लौंडा ऊपर देख रहा था, मतलब छत के ऊपर कोई लौंडा होता मतलब उसको पेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लौंडा नीचे कूद जाता है, मतलब मैं उसको भी मारता हूँ और लौंडा कूद के खिड़की से अंदर आता है, और कब आता है मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी इसको आसानी से पेल देते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ से देखो अपने पास सिर्फ और सिर्फ M762 है, लेकिन यहाँ पर एक लौंडा और घुसता है, उसको पेलने के लिए हम भागते हैं लेकिन वो भाग जाता है। देखो यार क्या होता है फिर। और भाई साहब मुझ में यही कमी है रिएक्शन टाइम का, क्योंकि मैं यदि 1 या 2 सेकंड पहले बुलेट फायर करता तो शायद मेरे खाते में दोनों की ला जाती, सीरियसली बोलता हूँ आप लोगों को। मतलब बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये वीडियोस भी आप देखा करो, क्योंकि कमियाँ आपको अच्छाई में बदल सकती है। क्योंकि यही कमी देखो, यदि रिएक्शन टाइम मेरा सही होता तो मेरे 2 किल होते, KD बढ़ती, रिएक्शन टाइम बढ़ता, मैं ज़्यादा मतलब मेरी उंगली जो होती है वो फास्ट मूवमेंट करती, तो बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन टाइम पर माइंड पर डिपेंड करता है। तो
मेरी वीडियोस से आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं सीख सकते हो, लेकिन मैं बहुत चीज़ें अपनी वो बताता हूँ, कमज़ोरी बताता हूँ, जिससे आप अपनी भी कमज़ोरी रिलेट कर पाओगे, वो चीज़ों पे आप काम कर पाओगे। देखो मैं सीख रहा हूँ अभी, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे सकता कि हाँ ये करो तो प्रो बन जाओगे। मैं इसलिए बहुत लोगों ने बोला और उससे व्यूज़ भी आएगा, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ, वो मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं नहीं जानता उतने अच्छे तरीके से, और मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता कि आप लोग मेरे वीडियोज़ देखो और फिर उसके बाद आपका कुछ ठीक नहीं हो, अच्छा ना हो, तो मुझे बुरा लगेगा फिर उसके बाद। इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूँ, कोई भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मेरी चीज़ों को, मैं गलतियों को अपने वीडियोस में बताता हूँ, वो गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और भाई साहब यहाँ पे मुझे मिल जाती है 5 KMO, क्योंकि स्कारल बहुत देर से नंगी घूम रही थी सीरियसली मेरे शरीर पे रखी, और 6X भी मिल जाता है साथ में, और सामने वाले घर में फाइट भी चल रही है, तो चलो पहले उसको पेलते हैं, मतलब बाहर एक बॉट है उसको पहले पेल लेते हैं। और भाई साहब एक को तो मैं जैसे तैसे नॉक कर देता हूँ, लेकिन रश नहीं कर सकता उसके ऊपर, एक तो मैं सोलो बंदा प्लस सामने पूरा ओपन ग्राउंड है, तो मैं बोला रश तो नहीं कर सकता, तो मैं बगल वाले घर जाने की कोशिश करता हूँ। मैं बगल वाले घर जैसे पहुँचता हूँ भाई साहब, पता चलता है ऊपर में पहले से ही मधुमक्खी मंडरा रहे हैं, तो और भी लौंडे इस घर में बैठे हुए हैं, और मैं नीचे ही रुक जाता हूँ। उसके बाद वो लोग नीचे कूद जाते हैं भाई साहब, अब देखो कैसे पेलता हूँ उन लोगों को। और भाई साहब इसके पार्टनर को जैसे नीचे फिनिश करता हूँ मार के, उसके बाद ये गोली चलाने लगते हैं। भाई साहब मैं ऊपर आता हूँ, ये भी ऊपर आ जाते हैं, और इसकी गोली खत्म होने का वेट करता हूँ। जिस तरीके से ये फायर कर रहा था, दरवाजा वरवाजा भाई साहब तोड़ दिया था ये लौंडे ने, तो मैं फायर खत्म होने का वेट करता हूँ। जैसे ही लौंडा रिलोड का बटन दबाने वाला होता है, मैं फायर करता हूँ, उसके बाद आराम से इसको भी पेल देते हैं, लेकिन यहाँ छिपता हूँ और मैं मारा जाता हूँ। और इससे मैंने ये समझ लिया था भाई साहब कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में तो रैंक पुश होने से रहा, क्योंकि अपने से नहीं हो पाएगा, दूसरे का मुझे पता नहीं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं रैंक पुश करूंगा सोलो वर्सेस डुओ में। अब मैंने आज तक रैंक पुश नहीं किया है, मैं गोल्ड में था, डायमंड में था, वो अपने आप गया हूँ डायमंड में, कभी गोल्ड में आ गया हूँ गिर के, तो वो अपने आप जो भी हुआ, मैंने कभी डिसाइड नहीं करके खेला है कि हाँ मुझे रैंक पुश करके एस पहुँचना है, क्राउन पहुँचना है, मैंने कभी नहीं किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है रैंक पुश का, क्योंकि उससे क्या होता है क्या मिलता है अपने को ये तक नहीं पता है। तो भाई साहब मैंने स्टार्ट किया तुम लोगों के बोलने पे, तुम लोगों ने बहुत बोला कि भाई तू गोल्ड में खेलता है, तो देखो यार गोल्ड वाले को भी है ना लॉबी में, गोल्ड वाले की लॉबी में देखोगे ना तो एस टीयर वाले भरे पड़े रहते हैं। अब कॉन्करर वाले मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे दिखता नहीं है कॉन्करर वाले, लेकिन एस वाले दिख जाते हैं कि एस प्लेयर सीजन 12 एस, ये सारी चीज़ें दिख जाती है, तो एस प्लेयर ज्वाइन हो जाते हैं गोल्ड वाले में भी, सिल्वर वाले तक को ज्वाइन होते हैं यार। ऐसा कोई शॉट नहीं है कि हाँ कॉन्करर वाले के साथ खेलेंगे, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है बस। हाँ आप लोग भी मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते कि यहां इस लॉबी में हम खेल रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होता है, वो लोग के लॉबी में बॉट भी आते हैं, तो बॉट कॉन्करर वाले नहीं होते, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी सीन होती है। लेकिन आप लोगों ने बोला कि रैंक पुश करो, तो देखते हैं हम इस बार करते हैं। हमने कॉन्करर सबसे हार्ड जो होता है लेवल कॉन्करर तक का सोचा है, अब कहां तक पहुंच पाते हैं, हम एस पहुंचते हैं, क्राउन पहुंचते हैं, डायमंड पहुंचते हैं, या फिर गोल्ड पे ही रह जाते हैं, वो देखा जाएगा आगे क्या सीन होता है। लेकिन यदि आप लोगों को कुछ भी आइडिया हो रैंक पुश कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आके, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे वो चीजें शेयर करना बातें, ताकि मैं अच्छे तरीके से कर सकूं रैंक पुश, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है रैंक पुश का। मैं जितना हो सकता है अपने तरीके से कुछ दिमाग लगाऊंगा, कितने पॉइंट्स मिलते हैं, कैसे पॉइंट्स मिलते हैं, क्या चीजें होती है, ये सब के बारे में मुझे नहीं पता है अभी। तो फिलहाल मैं स्टार्ट तो कर चुका हूं डुओ वर्सेस, अभी मैं गोल्ड 5 में हूं, और इस मैच से स्टार्ट मैंने पहला मैच है ये, तो गोल्ड वर्सेस मतलब गोल्ड से पहुंचना है मुझे क्राउन में, वो देखते हैं, क्राउन में बोलता हूं, कॉन्करर में पहुंचना है। अब मैंने ये सोचा है, हंसना मत कोई, हां पहले तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हंसना मत
मत कि कॉन्करर जैसे शब्द सुन के हंसना मत। हाँ हो सकता है लेकिन यदि सोए सोए खेले तो, लेकिन अपने से सोए से होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से पहुँच पाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ मैं उतर जाता हूँ सेवरनी में। सेवरनी में इसलिए मैं थोड़ा दूर उतरा हूँ क्योंकि मैं तुरंत नहीं मरना चाहता, और उसी के साथ मुझे मिल जाता है यूजी और साथ में कुछ बंदे भी, मतलब इधर रैंक पुश वाले भी लौंडे आए हैं, मतलब मैं सिर्फ अकेला नहीं सोच रहा था ऐसा, तो कुछ लोग आए हैं तो देखो यार उनको कैसे पेलते हैं। तो भाई साहब मेरे अलावा यहाँ पे दो और टीम उतरी थी और दो टीम की तीन बंदे को मैंने खा चुका था, मतलब दो बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, एक बंदा नॉक पड़ा हुआ था, लेकिन सामने वाले उसका जो पार्टनर था उसके पास M4 पड़ा हुआ था और मैं फाइट लेना क्या नहीं चाहता था, मेरे पास बुलेट ही नहीं था, एमओ ही नहीं था, सारे यूजी के एमओ खत्म हो चुके थे, तो मैं बोला यहाँ से भगना ज़रूरी है क्योंकि यदि यहाँ पे मरे तो माइनस होगा फटाक से 40-50, तो मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैं किसी तरीके से उसको नॉक बंदे को छोड़ छाड़ के भग गया भाई साहब, क्योंकि अपने पास एक भी बुलेट नहीं थी यार, मतलब कुछ भी बुलेट 20-25 भी बुलेट होती तो मैं फाइट लेने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन भाई साहब अपने पास कुछ नहीं था और मैं लूटने भी जाता यदि उसके डब्बे में सामने जो मैंने पेटी बनाई है तो भी मेरी पेटी बन जाती, तो मैं यहां से भागने की कोशिश करता हूं, बाद में ये लोंडे को पेलने की कोशिश करता हूं लेकिन मिलता नहीं है मुझे, फिर यहां से निकलते हैं भाई साहब, एक बॉट मिलता है मुझे उसको मारते हैं, हम यहां से निकलते हैं क्योंकि बहुत देर मैंने टाइम स्पेंड किया यहां से वर्नी पे, अच्छी खासी लूट की लेकिन कुछ खासा लूट मिला नहीं मुझे। और उसके बाद मैं पहुंचता हूं यहां पे, हील वील करता हूं, यहां पे मुझे स्कारल वगैरह मिल जाते हैं, 2-4 घर होती है जहां पे मुझे अच्छे खासे एमओ वगैरह मिल जाते हैं, तो मैं यहां से निकलने की कोशिश करता हूं, तभी यहां पे एक गाड़ी आती है भाई साहब और मैं उसको जाने नहीं देना चाहता क्योंकि अभी अपने को किल नहीं मिला, देखो गेम प्ले भी मुझे बनाना है, रैंक पुश भी करना है, तो दोनों चीज़ बहुत बहुत मुश्किल है यार, मतलब एक यदि मैं लाइव करता ना तो लाइव में मैं खेल के हंसा के किसी भी तरीके से आपको एंटरटेन कर देता, मैं रैंक पुश भी कर लेता बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन यहां पे मुझे गेम प्ले भी बनाना है, मतलब अच्छे खासे किल वाले गेम प्ले होने चाहिए, मतलब जिसमें मजा आए आप लोगों को, आप लोग को पता है कि आप लोग कैसे गेम प्ले देखते हो, आपकी मुझे मेरी आवाज़ पसंद है आप लोगों को, प्लस मेरा गेम प्ले भी पसंद आ रहा है धीरे धीरे लोगों को, तो देखो यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा जितना मैंने मेहनत अभी 2 सीज़न में किया, मुझे लगता है 2 से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मुझे इस सीज़न में, क्योंकि मुझे रैंक पुश भी करना है प्लस अच्छे खासे किल भी लेके गेम प्ले को भी बहुत बेहतर बना के लाना है आप लोगों के पास, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और एंटरटेन करने के लिए तो चिंता ही मत करो बहुत ज़्यादा एंटरटेन करूंगा, ये वीडियो तो बस मैं एक उदाहरण के लिए बना रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। और भाई साहब देखो यार गाड़ी वाला आ गया है, गाड़ी वाला रुकता है यहाँ पे लेकिन वो फिर भाग जाता है, पता नहीं किससे फाइट लेने के लिए चला जाता है, तो मैं बोलता हूँ रगेद के मारेंगे दौड़ा के पेलेंगे। और भाई साहब जैसे ही गाड़ी उठाता हूँ पीछा करने के लिए, भाई साहब गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो जाता है, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, मतलब जितना अभी तुमने डायलॉग वायलॉग जो मरवाया है ना सारा कुछ है ना पानी में चला गया, मतलब अपना जान भी मुश्किल हो गई बचाने की क्योंकि जोन बहुत दूर है भाई साहब बहुत दूर, मतलब कतई सोच भी नहीं सकते, पैदल तो हम जा ही नहीं सकते थे, लेकिन पैदल उतरता हूँ और वो दोनों गाड़ी वाले भी वहीं उतर जाते हैं, पता नहीं किससे फाइट लेने लगते हैं, उसके बीच में हम थर्ड पार्टी बनते हैं, चलो देखो। और भाई साहब एक को तो मैं जैसे तैसे नॉक कर देता हूँ लेकिन उसका दूसरा लौंडा कहाँ भाग चुका है अपने को नहीं पता, मतलब घर के अंदर घुस गया, उधर ही भागते हुए मैंने उसको देखा है कहाँ है, उस घास के ऊपर लेट चुका है कि घर के अंदर चला गया मेरे को नहीं पता, लेकिन साथ में जोन भी आ जाते हैं भाई साहब, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे खतरा नहीं ले सकते, यहाँ से गाड़ी उठाओ और चलो एक बार मतलब उधर से ही क्रॉस करते हैं, शायद यदि दूसरा लौंडा मिला तो उस पर चढ़ाते हुए निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मिलता नहीं है, दूसरा लौंडा भी बच जाता है, मुझे पता चल जाता है कि भाई साहब घर के अंदर बंदा है, तो मैं गाड़ी रोकता हूँ और पेलता हूँ उसको। और भाई साहब इस प्राणी को भी मैं मार देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी पेटी फटाफट लूटता हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं दोनों की पेटी जाके चेक करता हूँ, अपना पूरा टाइम वेस्ट करता हूँ यहाँ पे कि मुझे थोड़ा हेल्थ मिल जाए, बूस्टर वूस्टर मिल जाए तो मैं लेके निकलूँ यहाँ से, लेकिन भाई साहब ये लोग मेरे से भी ज़्यादा नल्ले होते हैं, इनके पास हेल्थ के नाम पे कुछ नहीं होता भाई साहब, सीरियसली बोलता हूँ कुछ नहीं, बस पट्टी होती है, बस मैं वो पट्टी उठाता हूँ मैं और भागता हूँ यहाँ से किसी तरीके से, और भाग के जाता हूँ पहले तो जोन में, मतलब जोन के अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैं जोन के किसी वैसे स्थान पर नहीं जाता हूँ जहाँ पर लौंडे मौजूद होंगे, मतलब सेफ एरिया में, क्योंकि सेफ एरिया बहुत ज़्यादा
खतरनाक होता है, तो मैं बीच रोड पे गाड़ी रोकता हूँ और उधर ही लेट जाता हूँ और उधर ही हील करता हूँ, और वहाँ पे मुझे कुछ नहीं होता है, सीरियसली बोलता हूँ। वहाँ पे फिर मुझे लौंडे देखते हैं, उसके बाद देखो क्या तबाही मचती है। और भाई साहब एक को मैं जैसे ही नॉक करता हूँ, दूसरा लौंडा है ना मेरे ऊपर फायर करता है, तो मैं जल्दी से पहले कवर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कहाँ पे छिपा हुआ है, उसके बाद मैं एक दो फायर करता हूँ, लगती भी गोली लेकिन लौंडा नॉक नहीं होता है। पता नहीं लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट सब लगाया हुआ था, कहाँ से ड्रॉप व्रॉप लूट के आया था भाई साहब, गिल्ली उल्ली सूट पहना हुआ था। तो मैं बोलता हूँ ठीक है तेरे को बाद में देखता हूँ, दूर मेरे को कहीं और एक लौंडा दिखता है, उसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लौंडा जिसको मैं पहले नॉक करता हूँ वो मर जाता है भाई साहब, रिवाइव नहीं दे पाते हैं उसको। तो मैं बोलता हूँ चलो एक किल तो मिला मुझे, और दूर कहीं एक भगता हुआ दिखता है, लेकिन उसको मारने मारते मारते मतलब पास आ जाता है ये गिली सूट वाला, और मेरे ऊपर मतलब खरबर 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 इतनी फुटस्टेप आती है, तो भाई साहब मैं उसको छोड़ देता हूँ, इसको मारने की पहले कोशिश करता हूँ। अब इसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन भाई साहब मेरी तरफ दो तरफ से फायर होता है, तो मैं फटाफट गाड़ी उठाता हूँ और भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता चलता है इस तरफ से फायर है, तो मैं फिर से गाड़ी रोकता हूँ, अच्छी जगह से कवर लेता हूँ, फिर से वही पत्थर के ऊपर कवर लेता हूँ, उसके बाद देखो भाई साहब इन दोनों की कैसी बजाऊंगा। और भाई साहब ये स्प्रे कैसा लगा यार बताना जरूर, मतलब कतई मजा आ गया सीरियसली बोलता हूँ, तो प्लीज यार मजा आया ना तो एक लाइक जरूर कर दो, यही टाइम है यही मौका है, लाइक जरूर ठोक दो यार, कतई मजा आ जाएगा जिंदगी। ये ब्लू जोन जो दिख रहा है ना इसकी तरफ ब्लू कर दो लाइक का बटन को, और चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसको यहाँ मारने के बाद मेरे 9 किल हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, जोन में जाने की कोशिश करता हूँ, और जोन में जाने के भाई साहब मतलब ऐसे जगह पर गाड़ी रोकता हूँ जहाँ पे मतलब दरवाजे पर ही रोक देता हूँ, देखो फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब मैं एकदम घिर जाता हूँ, किस तरीके से गिरता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। और भाई साहब जोन हो चुका था इतना छोटा ना, मतलब मैं ऐसे घर में रुका था जहाँ पे सामने में मतलब दो लौंडे हैं और मेरे राइट में भी दो लौंडे, और दोनों टीम है, और मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन मेरे ऊपर रश कर रहा है, क्योंकि फुट स्टेप दोनों के मतलब इतने दबा दबा के आते हैं, कौन किस घर में घुस जाएगा फटाक से मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो और उसके ऊपर से स्मोक आ रहे हैं, नेड आ रहे हैं, मोलो आ रहे हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं यहाँ पे मर चुका, लेकिन मैं घर से बाहर निकलता हूँ रश करने के लिए, मैं ही रश करने के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन वो फंस जाता हूँ किस तरीके से यार लौंडा, पता नहीं मैं फिर ठिल जाता हूं यार, देख लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो पूरी तरीके से, ताकि मैं इस तरीके की बहुत मज़ेदार वीडियो आप लोगों तक रोज़ लेके आ सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि मेरे हर रोज़ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और यदि आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हो रैंक पुश के बारे में, तो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो मुझे, बहुत सारी चीज़ें करो, बातें कर सकते हो वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें करने को, आप कुछ भी चीज़ें मेरे लिए करोगे, मेरी चीज़ों को प्रमोट करोगे, तो मैं आपको शॉर्ट आउट देने की कोशिश करूँगा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, तो जाओ मिलो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बहुत मज़ेदार होगा वीडियो अगला। तो कल का वीडियो आएगा गिव अवे वाला, तो कल का वीडियो भूलना मत देखने के लिए, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।